हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमपी टेट की प्राइमरी शिक्षक की भर्ती शुरू होने वाली है। बहुत ही जल्दी से फॉर्म भी अप्लाई होने लगेंगे और हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपने इस चैनल पर मध्य प्रदेश एमपी टेट की इंग्लिश की आपका पूरा हम यहाँ पर सिलेबस करवाएंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और इसके लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आज की क्लास ये सेकेंड क्लास है यहाँ पर एमपी टेट से रिलेटेड हमारी, और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टेंस। यानी टेंस में भी आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको करने हैं एरर फाइंड आउट। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि आपको वर्ब फिल करने के लिए आ सकती है, इस तरह से डैश हो और आपको वर्ब फिल करने के लिए दी जाए तब भी आपको ये सारे रूल समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ चार ऑप्शन मिले यदि आपको, फिर ये पूछा जाए इनमें से कौन सा करेक्ट है वो भी आप यहाँ पर समझेंगे। और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ कंप्लीट रूल्स भी उस टेंस के यहाँ पर पढ़ाता चलूँगा, जिससे दोनों काम साथ में चलेंगे। कम टाइम में आप एक्सरसाइज और रूल्स दोनों यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है एंड तक। डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि यदि आपने हमारी क्लासेस ली तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन अपना यहाँ पर ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस को, और यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इतना बताना है कि ये जो सेंटेंस रॉन्ग है तो किस तरह से रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ब, तो आपको ध्यान देना है वर्ब पर और ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा है या नहीं लिखा है टेंस। तो इस समय टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन अब आप इसे करेक्ट कैसे करें उसके लिए मैं आपको बताऊँ। जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन लगा हो, क्या लगा हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन, जैसे ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, है ना, एवरी, ये सबके सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं और सामान्यतः है सिंपल प्रेजेंट में आपको इन्हें यूज करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है और हमें किस में बनाना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो यानी कि हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए था सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। ओके, ऑन संडेज का मतलब होता है एवरी संडे, इस बात को भी याद रखिए। ये संडे जो प्लूरल है ना, इसका मतलब ये है एवरी संडे, ये अर्थ इसमें निकलेगा। चलिए और देखते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है, सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपका ये जो टेंस लिखा हुआ है गलत लिखा है, आपको इतना बताना है जल्दी से कमेंट करके कि इस सेंटेंस को हम कौन से टेंस में बनाएं। जब भी आपको टेंस पहचानने हो तो आप दो चीज़ों पर फोकस करें, एक तो सेंटेंस में देखें कि टाइम कौन सा लगा हुआ है, दूसरा देखें कि उसमें एडवर्ब कौन से यूज हुए हैं। बस जिस दिन आप इन टाइम और एडवर्ब को पहचानने लगेंगे टेंस आप चुटकियों में देख के ही तुरंत उसे हल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि जो जस्ट एडवर्ब है ये आपका लगता है परफेक्ट टेंस में। जस्ट एडवर्ब, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फार, लेटली, रिसेंटली, ये सारे के सारे एडवर्ब परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर एक और टाइम एक्सप्रेशन लगा हुआ है, ये है देन। आपने पढ़ा होगा जब भी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो नाउ का क्या बना देते हैं, देन बना देते हैं। ठीक है, तो नाउ किस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट में आता है। और अब नाउ का जब देन हो जाएगा तो ये किस में बनेगा, पास्ट में। तो कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस को बनाना है, जस्ट लिखा हुआ है तो बनेगा परफेक्ट में और देन लगा हुआ है तो पास्ट, यानी कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। आपको यहाँ पर लगाना है हैड, हेल्पिंग वर्ब, और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट केम टू माई नोटिस लेटली। ध्यान से देखिए तो हम भी सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन इसमें जो एडवर्ब है लेटली, अभी मैंने बोला है जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, सो फार, येट, ये सारे के सारे एडवर्ब परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ना बनके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब प्रेजेंट में ही क्यों बना रहे हैं, पास्ट में क्यों नहीं, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी पास्ट का टाइम नहीं लगा है। ऊपर वाले सेंटेंस में पास्ट का टाइम था इसलिए पास्ट परफेक्ट बना दिया, यदि यहाँ से देन हटा देते तो ऊपर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाता। तो यहाँ पर लेटली क्या बता रहा है, परफेक्ट, और कोई भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर प्रेजेंट में बनाते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हमें बनाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, माई ब्रदर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम ट्रेनिंग 2 मंथ्स बैक। ओके, तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि हम किस में ये सेंटेंस बनाएं। चलिए, तो अभी ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मंथ्स बैक। बैक मतलब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का टाइम हो जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे बनेगा, माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 मंथ्स बैक। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, आई नो हिम फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। मैं उसे पिछले 2 महीने से जानता हूँ, 2 मंथ्स बैक। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या है, आई नो हिम फोर, ये लगा हुआ है सेंस ऑफ 4, इसके बाद ये लगा हुआ है टाइम। सेंस ऑफ 4 के बाद तो हमेशा पास्ट का टाइम आता ही है, याद रखिए। अब ये देखिए सेंस ऑफ 4 कौन से टेंस में आते हैं, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, नहीं आते। सेंस ऑफ 4 या तो परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। आप लोगों ने भी याद किया होगा कि सेंस ऑफ 4 के बाद जब टाइम आता है तो सेंटेंस को किस में बना देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसी में आप नॉर्मली उसे बना देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है ये है नो, जो कि आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। किस तरह की वर्ब है ये, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि नो वर्ब सामान्य तरीके से क्या, ये नो वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में आती ही नहीं है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, इसलिए इसमें ऐसे कंटिन्यूअस हम हटा दें तो बचेगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस को बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, सिंस फॉर के बाद टाइम है इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। तो आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स हो जाएगा। आप भी कमेंट करते जाइए और बताते जाइए कि ये जो गलत सेंटेंस है ये करेक्ट कौन से टेंस में बनाए जाएंगे। यदि दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे या साथी MP TET प्राइमरी टीचर से या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप ये क्लासेज जो मैं ले रहा हूँ सारी की सारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 6, आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। ओके, इस सेंटेंस में बताना है कि ये किस में सही होगा। अभी लिखा हुआ है आपका ये पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर लगा हुआ है दिस मॉर्निंग, क्या लगा है दिस मॉर्निंग। अब ये 2 तरीके से आपका बन सकता है। यदि मैं ये कहूँ कि दिस मॉर्निंग यानी कि अभी सुबह है और सुबह अभी चल रही है यानी फिनिश नहीं हुई, मैं उससे आज सुबह नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि शायद दोपहर हो रही होगी या शाम हो रही होगी, तब तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन अभी भी सुबह है और सुबह फिनिश होने में अभी टाइम है तो फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते, फिर इसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और नेवर एडवर्ब आता भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, याद रखिए। तो आपका ये सेंटेंस बनाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये हो जाएगा आई हैव नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 में देखिए, सी डिडंट राइट द लेटर टिल नाउ। ओके, इस सेंटेंस में हमें ये बताना है कि कौन सा टेंस इसका बनेगा, यानी कि इस समय ये लिखा हुआ है रॉन्ग, सही क्या होगा आप ये देखें। तो यहाँ पर जो टाइम एक्सप्रेशन है टिल नाउ, याद कर लीजिए जब भी सेंटेंस में टिल नाउ लगा हो या जस्ट नाउ लगा हो या अप टू नाउ हो या अप टू द प्रेजेंट हो,
ये सारे के सारे एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ये एडवर्ब याद करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप जिस दिन ये एडवर्ब से याद कर लेंगे ना, चुटकियों में देखते ही आप टेंस तुरंत पहचान लेंगे। तो टिल नाउ कौन से टेंस में बनाया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाउ क्या बताता है? प्रेजेंट, और टिल नाउ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैजंट रिटन द लेटर टिल नाउ, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस है सी वाज हैविंग ए नंबर, ये रॉन्ग है, सी वाज हैविंग ए नंबर ऑफ बुक्स। सेंटेंस रॉन्ग है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो अब ये वर्ब है ना, हैव, अभी मैंने आपको जिस तरह से नो वर्ब बताई थी कि नो वर्ब आपकी कैसी वर्ब होती है, ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती। ठीक उसी तरह हैव वर्ब भी यहाँ पर कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी। तो इस को वाज हैविंग को हम कर देंगे हैड, पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं इसे। तो ये हो जाएगा सी हैड ए नंबर ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 है द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एडवर्ब कौन सा लगा हुआ है इसमें? एडवर्ब लगा हुआ है सो फार। तो याद कर लीजिए सो फार है आपका टिल नाउ, अभी मैंने आपको और भी बताए हैं रिसेंटली लेटली, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये पैसिव वॉइस लिखा ही हुआ है, फिर इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है क्योंकि सो फार पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है, ये याद कर लें। ये या तो निगेटिव में आता है सो फार, या इंट्रोगेटिव में आता है। ठीक इसी तरह एक और एडवर्ब है, ये भी याद कर लो, येट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होता है, येट हमेशा आपका इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाएगा। तो आप यहाँ से इस एरर को इस तरह से फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस सेंटेंस को बनाना होगा निगेटिव, और यहाँ पर आप जब नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका राइट। द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार, ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 में जब हम देखें तो क्या मिलता है? द डॉग वॉज वर्किंग द होल नाइट। ओके, सेंटेंस देखना है कि ये किस तरह से गलत है। अभी सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और यहाँ पर लिखा हुआ है द होल नाइट, यानी कि रात पूरी गुजर रही ना, तो ये बन गया टाइम पास्ट का, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। काम अब नहीं चल रहा है क्योंकि नाइट फिनिश हो चुकी है, तो ये बनेगा आपका बार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। द डॉग बार्ट द होल नाइट, इस तरह से सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, पिछले 6 महीने से वह इस परेशानी पर काम कर रहा है। आपको बताना है सेंटेंस कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो दोस्तों चाहे सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, सेंटेंस किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल सी बात है कि सेंस ऑफ फोर चाहे आगे लिखा हो या सेंटेंस के पीछे लगा हो, सेंटेंस का सेंस तो वही है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ से आप इसे हटा दे दें और यहाँ पर कर दीजिए ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 6 मंथ, या फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 है लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस। अब सेंटेंस लिखा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो फिर सेंटेंस गलत कहाँ पर है? क्योंकि लास्ट भी आपका पास्ट बताता है, लेकिन लास्ट वीक आपका बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि ये बना होता तो करेक्ट होता। यहाँ से आप एडजुलरी वर्ब हेड को हटा दीजिए तो ये सेंटेंस हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा? द लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 में है आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग किस तरह से? पहला जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सेकेंड सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका दैट कंजंक्शन। अब यहाँ पर क्या पता चलता है कि मुझे मैंने पाया या मुझे पता चला कि किसी ने मेरी पॉकेट को पिक कर लिया है।
अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये हुई कि जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो पता चला आपको बाद में वो पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनेट तो करेक्ट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनेट में नहीं हो रहा क्योंकि दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं हुए थे। एक काम पहले हुआ था, जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि समवन हैड पिड माई पॉकेट, आई फाउंड दैट, बाद में पता चला, यानी मुझे पता चला किसी ने मेरी पॉकेट को पिड कर लिया है। तो आपको ये सेंटेंस बनाना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह से। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, बाई द टाइम सी रिटर्न्ड ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। यहाँ पर देखिए ध्यान से ये कौन सा टेंस बनाया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर मिस्टेक है। तो आपको सिंपल सी बात बताऊँ, जब भी किसी सेंटेंस में बाई के बाद टाइम लगा हुआ हो, चाहे बाई द टाइम लिखा हो या बाई मंडे बाई ट्यूजडे इस तरह से लिखा हो या टाइम लगा हो घड़ी का कोई भी टाइम हो, तो by the time हमेशा परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सी रिटर्न है ये यूज किया जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो दोनों पास्ट में ही बनाने हैं। तो ये हो जाएगा by the time सी had returned he typed all letters, सॉरी यहाँ पर हैड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि जो काम पहले हुआ है वो हो रहा। अब पहले लौटा कौन? लौटने से पहले उसने सारे लेटर्स टाइप कर लिए थे, तो ये यहाँ पर हैड का यूज किया जाएगा, सी हैड टाइप्ड ऑल लेटर्स। ओके नेक्स्ट देखें सेंटेंस नंबर है आपका 15। सेंटेंस नंबर 15 में है सी रेंज मी अप आफ्टर सी डिसाइडेड टू गो। पिछले कई क्लासेस में आपको बता चल रहा हूँ जब भी सेंटेंस में कंजंक्शन आफ्टर या बिफोर हो तो आफ्टर के बाद आपका बनाया जाता है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस हो रहा वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप देख ली मिस्टेक कहाँ पर है, आप इसको यहाँ पर लगाना होगा हैड एक्जुलरी वर्ब, तो ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा, सी रेन मी अप आफ्टर सी हैड डिसाइडेड टू गो। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और यदि किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए इंग्लिश ग्रामर तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको एक दो दिन में ही वो क्लासेस डेफिनेटली मिल जाएगी। Thank you for watching this video.